Hello dear viewers, Assalamu alaikum. Feroz Shah here. Let me share some important points of projectile motion for your ETA preparation. Projectile motion के कुछ important points आपको बताता हूँ. ये हमारे पास है x axis और ये है जनाब y axis. यहाँ origin पर एक body पड़ी है और इस body को हम projectile motion में involve करने वाले हैं. कैसे करेंगे? We have to provide two parameters. इसको वेलोसिटी देनी है और एक एंगल देना है. एंगल और वेलोसिटी हम इसके नाम करेंगे, बाकी प्रोजेक्टाइल में सारी बातें ये हमारे नाम करेगा. सो इसके नाम करते हैं वेलोसिटी. और हमने इस बॉडी को वेलोसिटी वी से पेंट किया और इस वेलोसिटी वी के साथ साथ हमने इसको एक एंगल तोहफे में दे दिया, थीटा और वी. लिहाजा हमारे पास एक है वेलोसिटी और एक है जनाब एंगल थीटा. और इन दोनों की मदद से ये बॉडी यूं जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी और ग्रेविटी इसको रोकने की कोशिश करेगा और आखिरकार ग्रेविटी इसको रोकने में कामयाब होगा. ये ऊपर जाने से इसको रोक पाएगा और मजीद ये ऊपर नहीं जा सकेगा. वहां से इसको वापस मुड़ना पड़ेगा और वापस मुड़कर ग्रेविटी के अंडर इफेक्ट आखिरकार किसी ना किसी पॉइंट पर आकर गिर जाएगा. ये कंप्लीट मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन. द कंप्लीट मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. मैं इसके सारे मेन पॉइंट्स बताऊंगा आपको, जो आपके लिए एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में. हमने इसको वी दिया और थीटा दिया, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यूं गया और जनाब वापस आया. द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. The starting point is called point of projection. The starting angle is called angle of projection. The starting velocity is velocity of projection या initial velocity. And the last point जिससे वो वापस आकर जमीन से टकराता है impact कहलाता है. The top of this trajectory, the top of the motion is called summit. उसको summit बोलते हैं. ये summit, impact and point of projection. The study of projectiles is called ballistics. Study of projectiles is called ballistics. Achha, important points kya hai? The first one is ke projectile par x axis par koi force nahi lagta. Is pure motion ke dauran along x axis force nahi hota. Yehi wajah hai ke x axis par acceleration zero rehta hai. Aur jab x axis par acceleration zero hai to x axis par velocity mein change bhi zero hoga. Aur jab x axis par velocity ka change zero hai, so my dear student, x component of velocity kya rahega? Constant rahega. Yani aap is velocity mein do component de rahe ho. Isme ek component hai x component. Dekho yahan se yahan tak ye velocity ka x component hai aur ye velocity ka y component hai. Ye x component idhar agar 10 hoga तो ये इधर भी 10 होगा, 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 ये इधर भी 10 होगा और जब जमीन से टकराएगा तो भी 10 होगा. x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता. लेकिन प्रोजेक्टाइल में फोर्स अलोंग y एक्सिस ग्रेविटी है. y एक्सिस पर ग्रेविटी मौजूद है तो जब फोर्स अलोंग y एक्सिस ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन अलोंग y भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा. Force along x zero, acceleration along x zero. लेकिन force along y is gravity, so acceleration along y is g. वो definitely g होगा. और gravity का कमाल देखें, body ऊपर जा रही है, तो gravity से नीचे खींच रहा है, oppose कर रहा है, जिसकी वजह से y component ऊपर जाते हुए क्या होगा? Decrease होगा. और decrease होगा. यहाँ आकर x component तो वही रहेगा. ये तो वही रहेगा, लेकिन y कंपोनेंट बेचारा ग्रेविटी के अपोजिशन की वजह से जीरो हो जाएगा. और इसके बाद फिर x कंपोनेंट तो वही रहेगा हर जगह, लेकिन y कंपोनेंट समिट के बाद इंक्रीज होगा. ये इंक्रीज होगा, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता. x कंपोनेंट कांस्टेंट, लेकिन y कंपोनेंट होता है वेरिएबल. अगर ये वेरिएबल है तो फिर ये मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है? इसकी मिनिमम वैल्यू होती है समिट पर और समिट पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोजेक्शन के पॉइंट पर और इंपैक्ट पॉइंट पर. इंपैक्ट वहां पर वाई कंपोनेंट वापस मैक्सिमम हो जाता है गेन की वजह से,
और यहां पर प्रोजेक्शन पर वाई कंपोनेंट मैक्सिमम होता है। ये तो वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, एक्सेलरेशन की बातें थी। अब मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में नेट वेलोसिटी का बताता हूं। नेट वेलोसिटी हमेशा होती है इक्वल टू अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को देखते हुए समिट पर अगर मैं आपसे कहूं कि नेट वेलोसिटी क्या होगी, शाबाश समिट पर नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर समिट पर y कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है लेकिन x कंपोनेंट जीरो नहीं होता, तो नेट वेलोसिटी जो है वो x कंपोनेंट के बराबर होगी, क्योंकि इसका y कंपोनेंट जीरो हो चुका है लेकिन x कंपोनेंट कायम और दायम है, जिसकी वजह से समिट पर y कंपोनेंट खत्म लेकिन x कंपोनेंट मौजूद है। तो आप कहेंगे सर समिट पर नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है लेकिन मिनिमम है। समिट पर नेट वेलोसिटी जीरो नहीं मिनिमम है। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स कंपोनेंट मौजूद है। मिनिमम क्यों है? क्योंकि वाई कंपोनेंट खत्म हो गया, सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, तो इधर नेट वेलोसिटी मिनिमम होगी। याद रखें यहां पर नेट वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और प्रोजेक्शन के पॉइंट पर भी नेट वेलोसिटी यहां जो है वो मैक्सिमम है। ऊपर जाते हुए वाई कंपोनेंट की वजह से ये कम हो रही है, ऊपर आकर मिनिमम और वाई कंपोनेंट जीरो, और नीचे आकर फिर ज्यादा हो रही, इधर आकर मैक्सिमम हो जाती है। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं वो है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल के समिट का जो हाइट है इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और इस मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। इस फार्मूले में v ये स्पीड है जिससे आपने इसको फेंका, और थीटा वो एंगल है जिस एंगल से आपने इसको फेंका। ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, यहां से लेकर प्रोजेक्टाइल जब समिट तक आता है तो इट इज कॉल्ड टाइम टू समिट, इट इज कॉल्ड टाइम टू समिट, और टाइम टू समिट का फार्मूला है v sin थीटा डिवाइड बाय g। स्टार्टिंग पॉइंट से समिट तक टाइम इतना लगता है, और यही वजह है कि समिट से इधर तक आता है तो भी टाइम फ्रॉम समिट, टाइम टू समिट, और इसके आगे मोशन में टाइम फ्रॉम समिट टू इंपैक्ट वो भी होता है v sin थीटा बाय g। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है इस आधे मोशन का टाइम ये है और इस आधे मोशन का टाइम ये है, टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इधर से लेकर इंपैक्ट तक जाने का जो टोटल टाइम होता है उस टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड उसका फार्मूला है दिस प्लस दिस, लिहाजा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा डबल ऑफ वी साइन थीटा डिवाइड बाय जी। नेक्स्ट हम आपसे शेयर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में, जनाबे आली रेंज। यहां से प्रोजेक्शन से लेकर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखें इंपैक्ट तक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोजेक्शन टू इंपैक्ट इट इज कॉल्ड रेंज, इसको रेंज बोलते हैं डिनोटेड बाय आर। और रेंज के आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने हैं। द फर्स्ट मेन पॉइंट अबाउट रेंज कि इसका जनरल फार्मूला है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये हर रेंज के लिए होगा, बस एंगल और वेलोसिटी पुट करें आपको रेंज मिल जाएगा। और रेंज मैक्सिमम सबसे ज्यादा रेंज कब होगा? जब एंगल 45 डिग्री होगा। और कितना होगा? कितना होगा तो याद रखना मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी। ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है और ये मैक्सिमम रेंज के लिए शर्त है। दूसरी बात ये है कि रेंज में टू प्रोजेक्शन एंगल भी होता है। टू प्रोजेक्शन एंगल्स मींस के दो एंगल जिनका सम जो है वो 90 के बराबर हो तो उनका रेंज आपस में सेम होगा, उनका रेंज आपस में सेम होगा। इधर क्या लिखना चाहता हूं, रेंज एट 30 विल बी इक्वल टू रेंज एट 60। इसी तरह रेंज एट 15 इज इक्वल टू रेंज एट 75, यानी रेंज एट 10 इज इक्वल टू रेंज एट 80। जिनका एंगल का सम 90 हो उन पर रेंज बराबर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के। आपको टाइम टू समिट बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, नेट वेलोसिटी बताई, वाई और एक्स कंपोनेंट बताए, एक्सेलरेशन बताए, रेंज और हाइट बता दिया।
अब आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताता हूं। याद रखिए कि प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम रेंज होता है वो हमेशा हाइट के 4 times होता है। ये फार्मूला सिर्फ मैक्सिमम रेंज के लिए काम करता है। अगर एंगल 76 डिग्री हो तो फिर रेंज और हाइट आपस में बराबर होते हैं, रेंज और हाइट आपस में बराबर होते हैं। याद रखें कि हाइट जो है, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 8 times ऑफ h डिवाइड बाय g के बराबर होता है, 8 times ऑफ h डिवाइड बाय g के बराबर होता है। ये है जनाब, ठीक है, time is equal to 8 times of height divided by g. It is a relation between time of flight and height as well. Furthermore, kinetic energy at the top ka formula hai half m or half m v square cos of square theta. Agar aap is summit par kinetic malum karoge to is formula se malum kar sakte ho. Momentum at the top ka formula kya hai? m v cos of theta. इधर अगर आप मोमेंटम मालूम करना चाहो तो एम वी कॉस ऑफ थीटा का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, और पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप का फार्मूला अगर आप चाहते हो, पोटेंशियल एट द टॉप का फार्मूला चाहते हो, सो माय डियर स्टूडेंट इट इज इक्वल टू एम जी, दैट इज एम जी हमारे पास ये होगा टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर 1 minus कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी एट समिट, मोमेंटम एट समिट और पोटेंशियल एनर्जी एट समिट। ये 3 equations भी याद रखें। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, लेकिन ये भी सच है कि प्रोजेक्टाइल एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।